देश घना राज्यों में वरसद एलर्ट जी रो तेरे उत्तर भारत घना राज्यों में भारी वरसद चेतवनी जारी कर हवामान विभाग जनाव्या अनुसार देश मोटा भाग में विस्तारों में भारे वरसद पड़ सके दक्षिण भारत के राज्यों में तोफानी संभावना व्यक्त कर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुसलधार वरसद आगाही कर चंद्रयान 3 चंद्र पर उतरवा माटे मात्र थोड़ा ज दिवस बाकी है त्यारे आजे ते चंद्रनी भ्रमण कक्षा ने पकड़ से जो कि चंद्रयान 3 हाल में लगभग 37,200 किलोमीटर प्रति कलाक की झड़पे चंद्र तरफ आगे बढ़ी रही है। तेनी यात्रा अत्यार सुधी हाईवे पर चालू है परंतु आज सांजे 6:59 कलाके चंद्रनी भ्रमण कक्षा में प्रवेश करते आ समय चंद्रयान 3 चंद्र थी लगभग 40,000 किलोमीटर दूर हसे और आ समय चंद्रनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की असर शुरू थाय छे। देश में टेब्लेट कम्प्यूटर लैपटॉप सहित वस्तुओं की आयात पर मुकवामां नियंत्रणों विषय बात करता डिस्कशन टेक्नोलॉजी स्थापक और अध्यक्ष सुशील वाछाणीए जणाव्युं कि सरकारनो निर्णय खूब ज ऐतिहासिक छे। आ निर्णय थी भारत आईटी प्रोडक्ट सौथी वधु उत्पादन करना राष्ट्रों में शामिल थशे। आवनार समय में भारतीय आईटी प्रोडक्ट आंतरराष्ट्रीय बजार में वेचाण करवामां आवशे। गत वर्षे भारते 8 बिलियन डॉलर्स आईटी प्रोडक्ट की आयात करी हती। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आ ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे आज बीजो दिवस है। आज सर्वे की कामगी दरमियान मुस्लिम पक्ष साथ शुक्रवार सर्वे प्रथम दिवस दरमियान मुस्लिम पक्षकारों द्वारा सुप्रीम में कराये अरजी पर चुकादो आयो जेमा मुस्लिम पक्ष की दलील ने फगावी दी एएसआई सर्वे ने लीली झंडी आप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहेला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह माटे आवता वर्षे एटले के 2024 21-22 और 23 जानुआरी तारीख नक्की करी छे। ट्रस्ट सभ्यों अगाउ कह्युं हतुं के तेओ आ कार्यक्रम माटे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने सत्तावार आमंत्रण मोकलशे। आ समारोह में देश की 136 सनातन परंपरा 25,000 थी वधु धर्मगुरुओं ने आमंत्रित करने योजना में तैयारी कराई छे। कर्नाटक बेंगलुरू में विरोध पक्षों की बैठक में एनडीए सामनो करने विपक्ष द्वारा इंडिया गठबंधन की जाहरात कर ममता बेनर्जी की पार्टी टीएमसी आ गठबंधन एक भाग है जेनी असर हवे पश्चिम बंगाल में रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिल्ली तरफ इशारो कर आ पोस्टरो पर ममता बेनर्जी की तस्वीर साथ लखवामां आवी छे कि अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगावामां आवेला आ पोस्टरो हिंदी में लखवामां आव्या छे। दिल्ली और तेना आसपास क्षेत्रों में मूसलधार वरसद कारण अनेक नीचाणवाला विस्तारों में पानी भराया था। हवामान विभाग प्रमाण दिल्ली एनसीआर में वरसद की स्थिति ने कारण 5 ऑगस्ट सुधी येलो एलर्ट की चेतावनी जाहिर कर वरसद कारण तापमान में घटाड़ो नोधायो हतो। जम्मू काश्मीर में आर्टिकल 370 ने नाबूद थया आज 4 वर्ष पूर्ण थे। महत्वनुं छे कि 5 ऑगस्ट दिवसे जम्मू और काश्मीर में मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 ने नाबूद कर आ 4 वर्षना समयगाड़ा जम्मू काश्मीर में विकासना अनेक कार्यो थया छे। बीजी तरफ आतंकवादी प्रवृत्ति ने नाथवा माटे सुरक्षा एजेंसीओ अभियान हाथ धरीने अनेक आतंकवादियों ने ठार मार्या छे। जम्मू काश्मीर फुलगाम में आतंकवादियों साथ अथड़ाम में 3 जवान शहीद थे। आतंकियों विरुद्ध सेना सर्च ऑपरेशन चालू है। फुलगाम जिला हालना जंगल विस्तार ऊंचा विस्तारों में आतंकवादियों की हाजरी की महिती पर सेनाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर फुलगाम पुलिस शामिल थी। अभियान दरमियान 4 ऑगस्ट सांजे सैनिकों और आतंकवादियों वच्चे अथड़ाम थी थी। मणिपुर सरकार मंत्रिमंडले प्रदेश राज्यपाल अनुसुईया उके ने 21 ऑगस्ट रोज विधानसभा सत्र बोला भलाम कर आ पहला मणिपुर विधानसभा सत्र मार्च महीना में आयोजित थू। कांग्रेस पार्टी धारासभ्य ओकराम इबोबी सिंह सहित 5 धारासभ्य राज्यपाल ने मे महीना में पत्र लखी प्रदेश की कथड़ती कायदो व्यवस्था की स्थिति विषय चर्चा करने तात्कालिक सदन सत्र बोला मांग की। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई की टीम द्वारा सर्वे कर आ अंगे एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसीए आ मामले ट्वीट करू छे। तेमणे कह्युं छे के एकवार ज्ञानव्यापी एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक थई जशे कोई जाने केव रीते आगळ वधशे। आशा छे के 23 डिसेम्बर के 6 डिसेम्बर पुनरावर्तन न थाय। अयोध्याना चुकादा में सर्वोच्च अदालते प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पवित्रता अंगे अवलोकन ने अवगणवू जोईए नहीं।
वडाप्रधान मोदी 6 ऑगस्ट ना रोज वीडियो कॉन्फरेंसिंग मार्फते देशना 508 रेलवे स्टेशन ना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नो शिलान्यास करशे। आ रीडेवलपमेंट अमृत भारत स्टेशन योजना हेठ करवामां आवशे। आ योजना हेठ 24,000 करोड़ रूपयाना खर्चे देशना कुल 309 स्टेशनों पूर्ण विकास करवामां आवशे। उत्तर प्रदेश राजस्थान ना 55-55 जारे गुजरात और तेलंगाणा 21-21 रेलवे स्टेशनों पूर्ण विकास करवामां आवशे। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट करवाथी यात्रियों आधुनिक सुविधा लाभ लई शकशे। वडाप्रधान मोदी 22-24 ऑगस्ट दरमियान दक्षिण आफ्रिका में योजनारी बीआरआईसीएस समिट में भाग लेशे। आ माटे ते जोहान्सबर्ग जशे। गुरुवारे दक्षिण आफ्रिका ना राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाए पीएम ने फोन करीने ब्रिक्स समिट माटे आमंत्रण आप्यु हतु, जेनो मोदीए स्वीकार कर्यो हतो। ब्रिक्स में अन्य देशों समावेश ने लईने पण विदेश मंत्रालय नुं निवेदन सामे आव्यु छे। विदेश मंत्रालय ना प्रवक्ता अरिंदम बागीए कह्यु छे कि अमे आ मुद्दे अगाउ पण अमारो पक्ष राख्यो छे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसादे बिहार सरकार की झाटकनी काटता जणाव्यु छे कि तेओ हॉस्पिटल में दाखल भाजपा कार्यकर्ता नीलेश यादव ने मळवा माटे पटना पहुंचा हता। पटना में भाजपा कार्यकर्ता नीलेश यादव पर अजाण्या हुमलाखोरे गोळीबार कर्यो हतो। तेमणे बिहार पोलीस और प्रदेश में कायदो व्यवस्था की स्थिति विषे बात करता जणाव्यु कि धोळा दिवसे व्यक्ति पर गोळीबार करवामां आव्यो अने हजु सुधी आरोपियों की धरपकड़ करवामां आवी नथी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भुवनेश्वर एरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं भव्य स्वागत कर्यु हतु। लोकसभा और ओडिशा विधानसभा की चूंटनी नजीक आ रही है त्यारे शाह प्रदेश भाजपा नेताओं धारासभ्यों और सांसद सभ्यों साथे बैठक करते। अमित शाह राज्य में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उद्घाटन करते और अनेक बैठकों में हाजरी आपशे। भरूच में लव जेहाद किस्सो सामे आव्यो छे, जहां विधर्मी युवके तेनुं नाम बदली युवती साथे प्रेम संबंध बांध्यो हतो। उपरांत युवती साथे हिंदू युवानो ढोंग करी लग्न की लालच आपी दुष्कर्म आचर्यु हतु। तो हाल आ मामले भरूच तालुका पोलीसे युवती की फरियाद नोंधी सिराज रुस्तम पटेल नामक विधर्मी की धरपकड़ करी छे। गुजरात प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिल और अन्य धारासभ्यों की बदनामी करती पत्रिका कांड में तपास धमधमाट चाली रहो छे। सूरत क्राइम ब्रांचे आ केस में जामीन पर मुक्त थयेला त्रणेय आरोपी ने वधु पूछपरछ माटे बोलाव्या हता अने लगभग 6 कलाक सुधी सघन पूछपरछ करी हती। धारासभ्य गणपत वसावाना पीए राकेश सोलंकी दीपू और खुमान सिंह पटेल ने क्राइम ब्रांचे बोलाव्या हता। अमदावाद में योजवामां आवेला छात्र संसद कार्यक्रम में किरण बेदी उपरांत राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रहा था, जहां किरण बेदीए युवाधन ने संबोधता जणाव्यु हतु कि आजना समय में जरूरी ए छे कि छोकराओने समझदार बनाओ तेमज छोकरीओने बहादुर बनाओ। वधुमां तेमणे कह्युं छे कि ज्यारे ते इन्वेस्टिगेशन करता हता त्यारे तेमना मते राज्य में पेरेटिंग माटे इंस्टिट्यूट खोलवी जोईए तेवी इच्छा व्यक्त करी हती। राज्यना मछीमारों ने सतर्क रहेवानो समय आवी गयो छे, केम के हवे जो तेमने पाकिस्तानी जड़ सरहद में प्रवेश करशे तो तेमने 5 वर्ष की सजा थशे। एटलू ज नहीं पण तेमनी होड़ी पण जप्त करी लेवामां आवशे। आ अंगे पाकिस्तान मेटी टाइम जोन एक्ट 2003 बिल ने टूंक समय में रजू करवामां आवशे। गुजरात में मेघराजाए विराम लीधो छे अने हजु पण 5 दिवस वरसाद की संभावना नहीं वच्चे, जो कि अत्यार सुधी सीजनो 80% वरसाद वरसी चुक्यो छे। गुजरात में सरेराश 28 इंच वरसाद वरस्यो छे, जेमां 152 तालुकाओं में 20 इंच थी वधु वरसाद वरसी चुक्यो छे, जेमां वलसाडना कपराड़ा में सौथी वधु 97 इंच वरसाद वरस्यो छे। आईटी विभागे कल्पतरु अने जेएमसी ग्रुप ने त्यां दरोड़ा पाड्या हता। आईटी द्वारा गुजरात मुंबई पुणे दिल्ली और राजस्थान ने उपरांत 40 स्थले कल्पतरु और जेएमसी ग्रुप ने त्यां तपास हाथ धरवामां आवी हती। अमदावाद में पण कर्णावटी क्लब सामे आवेली कॉन्ट्रेक्टर की ऑफिस उपर पण तपास हाथ धराई हती। देश में मेक इन इंडिया ना उद्देश्य थी दरेक नाणाकीय लेवल देवल ने मोटा प्रमाण में ऑनलाइन ट्रांसफर ने आशय राखवामां आव्यो छे। तेथी केन्द्र सरकार द्वारा 15 ऑगस्ट सुधी में ग्राम पंचायतों में यूपीआई की सुविधा मिली रहे ते माटे सूचनों करवामां आव्या छे। जैनभाई अंकलेश्वर तालुका पंचायत कचेरी खाते 59 ग्राम पंचायतों में यूपीआई सुविधा पूरी पाड़वामां आवी छे। पत्रिका कांड में भाजपा अंदरखाने उकरता चरू जेवी स्थिति छे। गुजरात प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिल सहित केटलाक धारासभ्यों ने बदनाम करती पत्रिका ने जिलाना केटलाक पार्टी आगेवानों ने संडोवणी आवता हड़कंप मची गई छे, जेथी आ मामले उमरपाड़ा भाजप प्रभार राकेशसिंह सोलंकी देवेंद्र चौहान तेमज हरदीप अटुदरिया ने सस्पेंड करवामां आव्या छे।
મહેસાણા પાલિકાના સ્વર્ગીય ભંડોળમાં ઘટાડો થતાં વિપક્ષના શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હિસાબની માંગણીને કરીને આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું હતું કે રોડ અને ગટરની કામગીરીમાં લોકોના ટેક્સના પૈસાનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે। 5 ઓગસ્ટ સુધી મહેસાણા નગરપાલિકાએ પાલિકાના કર્મચારીઓને રૂપિયા 1.50 કરોડ પગાર ચૂકવવાનો થાય છે। અમદાવાદના ચાણક્યપુરીમાં બ્રિજના સર્વિસ રોડ ઉપર લગાવવામાં આવેલા બમ્પ મામલે કોર્પોરેશન વધુ કડક બન્યું છે। કોર્પોરેશન દ્વારા બમ્પને વધુ અણીદાર કરવામાં આવ્યું છે। બમ્પ લગાવ્યા બાદ પણ કેટલાક વાહન ચાલકો પસાર થતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા તંત્રએ આ કામગીરી કરી છે। તમને જણાવી દઈએ કે બુધવારે આ ટાયર ક્લિયર બમ્પ લગાવવામાં આવ્યો હતો। અમદાવાદની ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બીએસસી નર્સિંગના પ્રશ્નપત્ર ચોરી મામલે હજુ પણ મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો નથી, જેને લઈને એનએસયુઆઈએ પોલીસ કમિશનર કચેરીએ રજૂઆત કરી હતી। 23 દિવસ પહેલા 28 પ્રશ્નપત્રોની ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલા બોટની વિભાગના એસેસમેન્ટ સેન્ટરમાંથી ચોરી થઈ હતી અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી। મહેસાણાના આઝાદ ચોક પાસેના સથવારા વાસમાં જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થયું છે। પરિવાર ઘરમાં સૂતો હતો તે સમયે મકાન ધરાશાયી થતાં બાળકી અને એક યુવાન ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો। તેમજ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે, જે બાદ જર્જરિત મકાનને ઉતારી લેવાની કામગીરી શરૂ થઈ હતી। ભાવનગર ખાતે માધવવીલ બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થયા બાદ મનપા આક્ષેપોનું શિકાર બની ગયું છે, ત્યારે મનપા દ્વારા શહેરમાં અલગ અલગ સ્થળ ઉપર જર્જરિત બિલ્ડિંગોનું નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે। અન્ય શોપિંગ સેન્ટરોની હાલત જર્જરિત થતા જ વારંવાર અહીં ગાબડા પડવાના બનાવો પણ વધી રહ્યા છે। સાયલા તાલુકાના 5 ગામોમાં ભર ચોમાસે પાણીનો પોકાર ઉઠ્યો છે। સાયલા તાલુકાના 5 ગામોના સરપંચ સહિત ગામના આગેવાનો પાણી પુરવઠા ઓફિસે દોડી ગયા હતા। વરસાદી સિઝનમાં 17 ઇંચ જેટલો વરસાદ સાયલા તાલુકામાં નોંધાયો છે, છતાં વખત પર ગોસડ અને નવા સુદામણ કાશીપરા મદારગઢ સહિત 5 ગામોમાં પાણીનો પોકાર ઉઠ્યો છે। અરવલ્લીના બાયડનો લાખેશ્વરી વિસ્તાર હજુ પણ પાણીમાં ગરકાવ છે। 1 માસ અગાઉ ભારે વરસાદ બાદ લાખેશ્વરી વિસ્તારમાં કેડસમાં પાણી ભરાયા હતા। હાલમાં પણ કેટલાક મકાનો આગળ ડિટણસમાં પાણી ભરાયેલા છે। તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કામગીરી નહીં કરવાથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે। સ્થાનિકોએ ફાઇટર મશીન મૂકીને પાણી નિકાલની માંગ કરી છે। મહીસાગર જિલ્લામાં રાજસ્થાનમાં પડી રહેલા વરસાદને કારણે કંડાળા ડેમમાં પાણીની આવક ધીમી ગતિએ ચાલુ રહેતા 5000 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે। કંડાળા ડેમની ભયજનક સપાટી 419 ફૂટ છે। ડેમની હાલની જળ સપાટી 390 ફૂટ પર પહોંચી છે, જ્યારે ગત વર્ષે આ સમય 391 ફૂટ હતી। વિસાવદર ધારી બાયપાસ યાત્રિકો ભરેલ ખાનગી બસ પાણીમાં ફસાઈ હતી। ધારી તરફથી આવતી યાત્રિકોની ખાનગી બસ ધારી બાયપાસના અંડરબ્રિજના 5 ફૂટ સુધી ભરેલ પાણીમાં ફસાઈ હતી। ધીમે ધીમે બસમાં પાણી ભરાતા યાત્રિકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા। કચ્છ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એક્ટમાં બોગસ ડિગ્રી કાંડ મામલે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ ડાયરેક્ટરને તપાસ માટે આદેશ આપ્યા છે। એક મહિલા બોગસ ડિગ્રી મદદથી 11 માસના કરાર આધારિત ફરજ બજાવતી હોવાની ફરિયાદ સામે આવી હતી, જેના આધારે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ આદેશ આપ્યા હતા। બનાસકાંઠાના પાલનપુર કોર્ટ સંકુલમાં હોબાળો થયો હતો, જેમાં પ્રેમલગ્ન કરનાર યુવક યુવતીને પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા અને ત્યાં યુવતીના પરિવારજનોએ કોર્ટ સંકુલની બહાર જ મારામારી કરી હતી। તો કોર્ટ સંકુલમાં મારામારી અને હોબાળાના પગલે પાલનપુર પશ્ચિમ, પાલનપુર પૂર્વ એલસીબી અને એસઓજીની પોલીસ સ્ટાફ ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો। પાવાગઢ ખાતે જંગલના નિર્જન વિસ્તારમાં નિસહાય હાલતમાં પડેલા ઇજાગ્રસ્ત પ્રેમી યુગલનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે। ગુરૂવાર સાંજે ઊંચાઈ ઉપરથી પ્રેમિકાનો પગ લપસતા જ તે નીચે પટકાઈ હતી, જેને બચાવવા પ્રેમી પણ કૂદી પડતા બંને ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં કાદવમાં ફસાયા હતા। 1.5 કલાકની શોધખોળ બાદ પણ ઇજાગ્રસ્ત પ્રેમી યુગલનો પત્તો ન લાગતા પાવાગઢ પોલીસની મદદ લેવાઈ હતી। ભારત જોડો યાત્રા પાર્ટ 2 શરૂ કરવા દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના બધા નેતાઓએ વિચારણા કરી છે। સૂત્રોના મતે ભારત જોડો યાત્રા ગુજરાતથી હરિયાણા સુધી યોજનાર છે। કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડની એવી ગણતરી છે કે આગામી દિવસોમાં રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, ત્યારે તેના પગલે ગુજરાતથી યાત્રાને પ્રારંભ કરવામાં આવશે, જેથી કરીને બધા રાજ્યોને લાભ થશે। રાજ્યભરમાં ચોમાસામાં રોગચાળો વધતા લોકોના સ્વાસ્થ્યની સલામતી માટે બનાસકાંઠા જિલ્લાનો ફૂડ વિભાગ હરકતમાં આવી ગયો છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસામાંથી ફૂડ વિભાગે શંકાસ્પદ નકલી મરચાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો। ફૂડ વિભાગે તપાસ દરમિયાન હરે કૃષ્ણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી 260 કિલો મરચું જપ્ત કર્યું હતું।
धोड़का में कोठ गामे आवेला गणपतपुर मंदिर संकट चौथ ने लईने दर्शन करने गुजरात उपरांत सहित अन्य राज्यों माथी पण मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा था। मंदिर दर्शनार्थे आता भक्तों ने रेलवे अंडरपास में पानी भराई जता भारे हालाकी पड़ी थी। जो कि मंदिर ट्रस्टीओए दर्शन माटे विनामूल्य मुसाफरी रिक्षा की सुविधा उपलब्ध करावा भक्तों ने राहत थी थी। जेसर अभयारण्य में आवेला केदारनाथ महादेव दर्शनार्थे आता भक्तों पासे थी फॉरेस्ट पैसा उघरावतो होवाना आक्षेपनो वीडियो वायरल थयो छे। दर्शनार्थे आवेला भक्तोए फॉरेस्ट विभाग कार लई जवाना पैसा मांगतो होवाना आक्षेप कर्या छे। फॉरेस्ट विभागे गाड़ी रोकीने 3,500 रूपया मांग्या होवानो आक्षेप कर्यो हतो। आ केसमां वहेली तके तपास करीने कर्मचारीओ सामे पगला भरवानी मांग उठी छे। भरूच पालिकाना बजेटमां आ वर्षे रतन तळावना विकास माटे रूपया 10 करोड़ की जोगवाई करी छे, जे हमेशानी माफक मात्र कागळ पर जोवा मळी छे। भरूचनी ऐतिहासिक धरोहर एवा रत्नसमा रतन तळावनी जाळवणीमां पालिका तंत्र बेदरकार रहता गंदकीनुं साम्राज्य वध्युं छे। नवसारी जिल्लामांथी केन्द्र सरकारनो महत्वनो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टनो काम L&D कंपनीए सौंपवामां आव्यो छे। जो कि कंपनी द्वारा नाखवामां आवेला प्लांट थकी स्थानिकोए हालाकी वेठवानो वारो आव्यो छे। मोटा भागे खेडूतोने मोटुं नुकसान थई रह्युं छे। अंकलेश्वर नोटिफाइड विभाग द्वारा रहेणांक विस्तार में बिन अधिकृत दबाण दूर कर्या हता। नोटिफाइड चीफ ऑफिसर विपुल गजराना मार्गदर्शन हेठ नोटिफाइड दबाण हटावानी टीम तेमज सिक्योरिटी विभाग ने साथे राखी दबाण हटावानी कामगीरी शुरू करी हती। तेथी करीने बिन अधिकृत जग्याओ पचावी पाड़ेल लोको माफ अफराट बेसी गयो हतो। राज्य में दलित पर थई रहेला हुमला मामले दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की अध्यक्षता हेठ कांग्रेस पक्षनुं डेलिगेशन राज्यना पोलीस वडा समक्ष रजूआत करवामां आवी छे। जिग्नेश मेवाणीए जणाव्युं हतुं कि राज्य में 8 घटनाओ एवी बनी छे जेमां सामान्य बाबत में दलित पर हुमलो करी तेमनी हत्या करी देवाई हती। मोटी संख्या में दलित समाजना आगेवानोए देखाव कर्यो हतो। राजूला शहर में गैरकायदेसर नॉनवेज की लारीओ बंद करने एसपी समक्ष रजूआत करती। राजूला धारासभ्य हीरा सोलंकीए एसपी ने लिखित में रूबरू रजूआत करती। हिंदू संगठनों द्वारा धारासभ्य ने रजूआत करती। त्यारबाद एसपी ने जाहिर रस्ता पर नॉनवेज की लारीओ सामे कार्यवाही करने की मांग करती। हाल समग्र देश में सरकार द्वारा दीकरा दीकरी समानता की डिग्री हांकलवामां आवी रही छे, त्यारे गुजरात में ज छेल्ला 5 वर्षों में 1.71 लाख महिलाओं गर्भपात कराया था। त्यारे दर वर्षे सरेराश 25,000 गर्भपात केसों नोंधाय छे। त्यारे सवाल ए उभो थाय छे कि गैरकायदेसर गर्भपात मुद्दे सरकार द्वारा शुं पगला लेवाय छे। अमीरगढ़ तालुकाना गांजी गामे युवती की छेड़ती और जातिजनक अपमान करवा मामले अमीरगढ़ और दाता आदिवासी आगेवानो अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन धसी आया था, ज्यां तेमणे विकासना नामे भोड़ी आदिवासी प्रजाने छेतरवानो आक्षेप लगावता जणाव्युं कि आ केस में युवती पर दुष्कर्म आचरवायुं होवा छतां पोलीसे 376 कलम उमेरी नथी, जेथी आ कलम उमेरवानी तेमणे मांगणी करी हती। पोरबंदर में युवक ने मार मारनार असामाजिक तत्वों ने गणतरी कलाकों में झड़पी लेवामां आव्या छे। जूनी कोर्ट बिल्डिंग में लुखा तत्वों एक युवक ने मार मारतो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो हतो। पुलिसे शहर में अन्य तोफानी तत्वों ने सबक शीखड़ावा माटे आरोपी ने जाहिर में लावी सराभरा करी हती। आणंद जिल्लाना बामण गाममां विद्यार्थीए अन्य विद्यार्थी पर जीवलेण हुमलो कर्यो हतो, जेमां गंभीरा हाईस्कूलमां बे विद्यार्थीओ वच्चे झगड़ो थता एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी पर जीवलेण हुमलो कर्यो हतो। तो विद्यार्थी द्वारा बीजे विद्यार्थी ने चप्पू मारता इजाग्रस्त विद्यार्थी ने 108 मददथी वडोदरानी गोत्री सरकारी होस्पिटलमां खसेड़वामां आवी हती। वलसाडना अतुल स्थित SR पेट्रोल पंप पासे सूतेला कर्मचारीना खिस्सामांथी 13,000 रूपयानी चोरी करी चोर फरार थई गयो हतो। आ घटनाना सीसीटीवी कैमरामां कैद थई हती। रूरल पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। जेतपुरना जूनागढ़ रोड पर आवेला मॉल में रात्रिना समय तस्करो ताटक्या हता। चोर मॉलनी उपर रहेल छापरामां रहेल एक्सोजेन फोननो भाग तोड़ी अंदर प्रवेश्या हता। श्रीजी मॉलमां रहेल टेबलना खानामांथी अंदाजित 1 लाखथी वधु रोकड रकमनी चोरी करी हती। समग्र घटनानो सीसीटीवी वीडियो सामे आव्यो छे। भारतना पीएमए ताजेतरमां ज मेरी माटी मेरा देश झुंबेशनी जाहेरात करी छे। तो आ अभियाननो उद्देश्य बहादुर
स्वातंत्र्य सेनानीओ अने बहादुरोनुं सन्मान करवानुं छे जेमणे देश माटे पोतानुं बलिदान आप्युं छे। तो त्यारे अंकलेश्वर खाते आगामी तारीख 10 અને 11 रोज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अंगे मार्गदर्शन आपवामां ग्राम पंचायतोनी बैठक योजाई हती।